अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा? मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना। बिहार का अपना एक्ट है, अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहिए। और इसलिए आपकी नियत भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। निकट चुनाव पर रोक के बाद बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है। सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी खुद को अति पिछड़ों का सबसे बड़ा हिमायती बताने में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश सरकार पर अति पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जेडीयू ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आयोग गठन की बात कह लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी आयोग गठन की बात कहकर आरक्षण को उलझाना चाह रही है। ललन सिंह ने ऐलान किया है कि बीजेपी की साजिश के खिलाफ जेडीयू पूरे राज्य में पोल खोल अभियान चलाएगी। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। वास्तव में स्थिति यह है कि बिहार 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक्ट बना के, कानून बना के अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, महिलाओं को, दलित समुदाय के लोगों को और अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की व्यवस्था की थी। और वह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक वह संपुष्ट हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उस मामले को संपुष्ट किया कि जो बिहार ने आरक्षण की व्यवस्था की है वह सही है। और उसके बाद से आज तक लगातार उसी एक्ट के तहत चुनाव हो रहा है और इस बार भी जो चुनाव हो रहा था उसी एक्ट के तहत हो रहा है। कोई नई बात है ही नहीं, बिहार में कोई परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमने बयान देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के, आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले, और महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा था नागपुर का और वाशिम का, उस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि कई जिले ऐसे महाराष्ट्र के जहां अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी अधिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आयोग बनाइए और आयोग बना के एनालिसिस की, और उस एनालिसिस के आधार पर 50% के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू की। यह भी बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई बिना जातीय जनगणना के आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है, तो जब आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है तो एनालिसिस कैसे हो। यह महाराष्ट्र के मामले में हम बात बता, और तब भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। और इसलिए हम लोग शुरू से यह मांग करते रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार ने इसको अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, और तब बिहार की सरकार ने यहां अपना निर्णय लेके जातीय गणना कराने का फैसला। इसलिए तो इसलिए एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उसे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का है। 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया, 2007 में नगर निकाय में आरक्षण दिया, और तब से आज तक लगातार उसी पर चुनाव हो रहा। तो इसलिए ये बात करना ये आरक्षण विरोधी एक्ट है, क्योंकि आयोग जैसे ही बिहार में आप बनाइएगा, चुनाव तो हो रहा है 2006 से 2007 से आज तक चुनाव हो रहा है, आप आयोग बनाने की बात करके आरक्षण को उलझाना चाहते हैं। आपकी नियत है, आप आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्या कहा। मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। तो इसलिए आपकी मंशा आरक्षण में उलझाना है और आरक्षण को समाप्त कराना, इसलिए आप ये सब तिकड़म की बात कर रहे हैं।
बिहार का कोई एक्ट, बिहार के जो आरक्षण का एक्ट है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का एक्ट, उसको महाराष्ट्र के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया आयोग बनाने का, उससे कोई लेना देना नहीं। बिहार का अपना एक्ट है और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि हाँ सही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और उसके आधार पर आज तक चुनाव हो रहा। इसलिए आप ये कहना, आपको उलझाना है। नीतीश कुमार जी का एक बात हम बता देते हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाओं के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण, इन सभी पर नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है, उनके उनका कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट से वो पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी होने के कारण आज इन सारे चीजों को कहके वो आयोग की बात कर रहे हैं। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले बिहार विधानसभा का सत्र बुलाइए और आयोग का गठन करिए। अरे वाह भाई, हम सुप्रीम कोर्ट, अगर राज्य सरकार नहीं जाएगी तो आयोग का गठन काहे करेगी? हमारा एक्ट तो 2006 से 2007, आप आयोग का गठन करा के अति पिछड़े के आरक्षण को उलझाना चाहते, और इसलिए आपकी नियत भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, इसलिए उलझाना चाहते। तो हम लोगों का ये स्टैंड साफ है, राज्य सरकार निर्णय करेगी। हमने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और ने उस कमिटमेंट को पूरा रखने के लिए और उस कमिटमेंट को कायम रखने के लिए नीतीश कुमार जी को जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। हाँ, जहां तक पार्टी के सवाल है, हमने देखा कि वो आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, उनके आंदोलन की कोई चिंता नहीं, इसलिए कि अति पिछड़ा वर्ग बिहार का ये जानता है कि हमारा है असली हितैषी नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी ने ये हमको समाज के मुख्य धारा में लाया है और अंतिम समय तक वो हमारे हित के लिए लड़ेंगे। और अति पिछड़े वर्ग के लोग संतुष्ट हैं इस बात से कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं तब तक हमारे हक को कोई छीन नहीं सकता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करेगी छीनने का। तो इसलिए राज्य पार्टी ये तय करेगी एक सप्ताह के अंदर, और हर जिले में, हर जिला मुख्यालय पर आरक्षण विरोधी भाजपा का पोल खोल कार्यक्रम ये तय करेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस कार्यक्रम को तय करके घोषित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है, एक चेहरा जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, आरक्षण विरोधी चेहरा, जिसको अंदर छुपाए रखते हैं और बाहर लोगों के बीच दूसरा चेहरा लाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग उनके बाहर वाले चेहरे पर भरोसा कर लें। जोर जोर से बोलते हैं कि आरक्षण के हम समर्थक हैं, अभी जो कुछ भी परिस्थिति बनी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना था, जिस कारण से यह मामला उलझा उसके कारणों में जरा जाइए। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया, आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है, आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है। इस बात को लेकर हिटलर जिस तरह से कहता था कि किसी एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच दिखेगा, इसी थ्योरी पर बीजेपी के लोग चलते हैं, बार बार किसी बात को, झूठ को भी इतनी बार बोलो कि लोग सच समझने लगे। लेकिन मुगालते में हैं लोग, बिहार के लोग और देश के लोग, अब उनके झूठ में नहीं आने वाले। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया पुराना है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे थे कि आरएसएस के नेता ने क्या कहा है रिजर्वेशन के बारे में, कुल मिला जुलाकर उनकी कोशिश है, सिर्फ बिहार की यह अकेली घटना आरक्षण को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही और इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है, और उनका प्रयास है कि धीरे धीरे
उलझाते उलझाते जो 27% ओबीसी का आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में है उसको भी किसी तरह से हम उलझा दें और कोर्ट के माध्यम से उसकी समीक्षा का भी रास्ता निकाल दें। जो बीजेपी के लोग बार बार बोलते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, तो चाहते हैं कि 27% जो रिजर्वेशन है उसको भी समीक्षा के दायरे में, डायरेक्ट बीजेपी या सरकार के माध्यम से लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनता के बीच दूसरा चेहरा परोसना चाहते हैं, तो कोर्ट के माध्यम से इन चीजों को उलझाने की उनकी कोशिश है। आप इसकी मूल में जाइएगा, जड़ में जाइएगा कि जिस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है, आयोग बनाने की बात हो रही है, उस बात की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, उस बात की शुरुआत के पीछे 50% जिसकी चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की कि उसकी सीमा नहीं पार होनी चाहिए, उसमें तो स्पष्ट है कि 50% से नीचे है, लेकिन उसके अतिरिक्त ट्रिपल टेस्ट में कोर्ट ने जो कहा, जो आधार बना कोर्ट के इस तरह की बात को करने के लिए, वो आधार कहां से बना। एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई राज्यों के उच्च न्यायालयों ने अनेक बार कहा, अलग अलग मामलों को सुनते हुए, कि भारत की सरकार या संबंधित राज्य की सरकार उनको डाटा दे, जात के बारे में रिजर्वेशन जिनको दे रहे हैं उनके बारे में डाटा दीजिए। डाटा इनके पास नहीं है, नया फ्रेश डाटा नहीं है, फ्रेश डाटा जुटाना नहीं चाहते हैं, और इसके पीछे भी इनकी मंशा साफ नहीं है, वरना डाटा लोग जुटाते। और फ्रेश डाटा नहीं होने के कारण ही कोर्ट के सामने यह गुंजाइश बनी कि कोर्ट ने चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, और अभी यहाँ या दूसरे राज्यों में कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट में कहा कि पिछड़ेपन का आंकड़ा लाइए। इसलिए कोर्ट ने एक नई व्यवस्था दे दी, अगर इन लोगों ने आंकड़ा दे दिया होता, सेंसस 10 साल पर होता है हमारे यहाँ, वो सेंसस के साथ जात की गिनती भी कराते रहते तो कोई अलग से आंकड़ा जुटाने के लिए कोई कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इन लोगों ने जो रवैया अपनाया है, उस रवैया के चलते कोर्ट में ऐसी स्थिति बनी है, और इन लोगों की कोशिश वही है कि सारे मामलों को जो रिजर्वेशन से संबंधित है, अंततः 27% रिजर्वेशन को भी हम उलझा दें, तो यह इनकी कोशिश है। लेकिन ध्यान रखें, भाजपा के लोग बिहार में अभी जो चुनाव रुका है, बिल्कुल नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, जब तक रिजर्वेशन ठीक से फिर नहीं आएगा तब तक चुनाव नहीं होगा। अति पिछड़ा भाइयों के रिजर्वेशन को सुनिश्चित किए बिना बिहार में चुनाव नहीं होगा। राज्य सरकार को कानूनी तरीके से जो भी कदम उठाना होगा राज्य की सरकार उठाएगी, लेकिन बिना अति पिछड़ों के रिजर्वेशन या जिन वर्गों के लिए रिजर्वेशन बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने दिया है, उनके रिजर्वेशन के बिना कोई चुनाव नहीं होगा, रिजर्वेशन के साथ ही चुनाव। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।